शारदीय नवरात्रि का नौवां एवं अंतिम दिन समर्पित है सिद्धि और मोक्ष देने वाली माता मां सिद्धिदात्री को। शास्त्रों के अनुसार मां सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। मां का यह स्वरूप लक्ष्मी जी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। माता के चार हाथ हैं और इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। धार्मिक ग्रंथों में माता के स्वरूप को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला माना गया है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टत्व और वशितत्व नामक आठ सिद्धियां बताई गई है। ये आठों सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव ने भी इनसे यह आठों सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव की आदि देह देवी की हो गई थी और वे अर्ध नारीश्वर कहलाए थे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आप नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की किस तरह से विधिवत पूजन कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। माता के साथ इस दिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करने का भी विधान है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति पर गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की सामग्री अर्पित करें और हवन अवश्य करें। हवन में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा के सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दें। इसके बाद देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। लेकिन ध्यान रखें कि माता सिद्धिदात्री के भोग में हलवा चना अवश्य ही रखें, क्योंकि हलवा चना का इनके भोग में विशेष महत्व होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।